औरंगजेब के अत्याचार, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। पता नहीं आप लोगों को फील हुआ या नहीं, पर हम सब लोगों का ना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मुगल्स दुष्ट थे और हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे। ईमानदार इंटेलेक्चुअल्स ने मुगल्स के डिफेंस में न जाने कितने सबूत बनाए हैं। इनफैक्ट औरंगजेब टाइप्स लोग तो हिंदू मंदिरों को प्रोटेक्ट करते थे। ये ह्यूमन चेन वाला कॉन्सेप्ट उधर से ही शुरू हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ा और रिसर्च किया जाए। भाई साहब, जो मिला उससे तो हमारे होश फाख्ता हो गए। मुगलों की एक्चुअल रियल मतलब एकदम ओरिजिनल वाली महानता तो ये निकली कि जब भी वो कोई कोई मस्जिद या मीनार बनाते थे तो अक्सर उसके नीचे एक पुराना मंदिर बनवाते थे। अब पूछो वो क्यों? ताकि उस पर दुष्ट ब्राह्मणों की नजर ना पड़े। जब 16वीं शताब्दी में अपना बाबर शांति की तलाश में भारत आया तो उसने यहाँ एक मस्त बाबरी मस्जिद बनवाई। फिर उसने 12वीं शताब्दी के मटेरियल कलेक्ट करवाए और देश के लोगों के लिए एक राम मंदिर बनवाया। टेनेट देखिए ना, कुछ उसी टाइप से। कई सदियों बाद ASI और सुप्रीम कोर्ट के लोग धोखा खा गए और उसको असली राम मंदिर डिक्लेयर कर दिया। अपने अकबर भाई साहब ने 1570s में फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। बाद में पता चला कि उनके पुराने भाई लोग पहले ही उसके नीचे जेन्स की पूरी सिटी बनवा चुके थे। 1669 में औरंगजेब मियां ने तो अलग ही कांड कर दिया। उन्होंने ज्ञानवापी कुएं के ऊपर हवा में तैरने वाले गुंबद बनवाए। फिर उसके बाद पास्ट से मटेरियल मंगवा कर बेहतरीन नक्काशी वाले हिंदू एस्थेटिक की दीवारें बनवाई। बेचारे हिंदू फिर फिसल गए। सीताराम गोयल, मीनाक्षी जैन जैसे फैशिस्ट स्कॉलर्स ने इस पैटर्न को काफी डॉक्यूमेंट किया है, पर मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने पैसे लेकर ये सब लिखा होगा। उनको थोड़ी ही JNU पालता था, उन्हें दिखता ही नहीं कि मुगल्स अंडरग्राउंड आर्किटेक्चर में कितने एडवांस्ड थे। टैलेंट की अपने देश में कोई कदर नहीं है। अंडरग्राउंड वाला अप्रिशिएट करना तो छोड़ो, हिंदूज उल्टा उनके ऊपरी माले को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब इन्हें स्विस मिनिमलिज्म कौन समझाए? तो इसीलिए अगली बार जब आप किसी मीनार, दरगाह या मस्जिद के पास जाओ तो बस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखकर इंप्रेस मत होना। हो सकता है आप सेक्युलरिज्म के एक खंडर के ऊपर भी खड़े हो।